और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला, प्रवेश के लिए कार्ड में 50 रुपया बैलेंस होना जरूरी कर दिया गया। 16 जनवरी से लागू होगा नया आदेश, 25,000 मेट्रो कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। पहले 10 रुपया बैलेंस होने पर एंट्री मिलती थी, लेकिन अब 50 रुपया कर दिया गया है। 50 रुपए का मिनिमम बैलेंस होना अब जरूरी है। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक मेट्रो स्टेशन में अब प्रवेश के लिए यानी एंट्री के लिए कार्ड में मिनिमम जो बैलेंस होना चाहिए वो 50 रुपए होना चाहिए। यह आदेश जो है 16 जनवरी से लागू होगा। नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले करीब 25,000 कार्ड धारकों को अब मिनिमम 50 रुपया कार्ड में रखना अब जरूरी होगा। पहले न्यूनतम 10 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था, रखना पड़ता था, जो मिनिमम बैलेंस होता था। अब कम बैलेंस होने पर स्टेशन से निकलने के दौरान भीड़ लगती थी, स्टेशन पर आसानी से एंट्री और एग्जिट हो सके, इसके लिए यह फैसला जो है लिया गया, इसलिए मिनिमम बैलेंस की राशि बढ़ाई गई है। और बदायूं से स्वच्छ की बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद